दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं चैनल न्यू पाकिस्तान। दोस्तों आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो आपके सवालों के जवाब दूंगा, थर्ड पार्ट बनाऊंगा उसका। तो जितने भी आप लोगों ने मेरी स्टोरी पे सवाल पूछे हैं तो उसके जवाब वीडियो के थ्रू दूंगा, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और आपके सवाल जिनसे मिलते जुलते हैं लोगों के, उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और मेरे अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप एनिमल लवर्स पाकिस्तान फेसबुक पेज पे भी हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ 0333225 8925, वहाँ भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और अगर आप पर्सनल मुझे कोई अर्जेंट नीड है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, HAIDER.A.SHAH, HAIDER.A.SHAH पे, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हम शुरू करते हैं अपना तीसरा पार्ट सवाल जवाब का, देखते हैं आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं। तो जल्दी से चलते हैं सवालों की तरफ। ये मोइन सुमेरा मोइन का सवाल है, दौड़ मंडी कब विजिट करोगे भाई। दोस्त अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी विजिट करें दौड़ मंडी। और सैयद हसन आजम का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं। मेरा सवाल यह है, बकरी के बच्चे देने से पहले कोई निशानी होती है, काइंडली ये बताएं भाई। देखें बॉस, सबसे पहले तो नॉर्मल जो निशानी है वो है कि उसको लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा पीछे से, किसी भी तरह का एक सोल्यूशन टाइप का लिक्विड होगा। और उसकी एक निशानी यह है कि कम से कम एक दिन पहले तक बकरी उसके दुम के पास, अगर आप अभी हाथ लगाएंगे, अगर टाइम है अभी, तो उसकी गैप कम होगा दुम के पास। लेकिन अब दुम के बिल्कुल सिरे पे आप हाथ लगाएंगे, जब मेरे पास कोई बकरी होगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में, तो जब आप उंगली लगाएंगे तो आपकी दोनों उंगलियां उसके अंदर जा रही होंगी, यानी गैप बन रहा होगा उसके पीछे दुम के साइड पे। तो इसका मतलब है बकरी बिल्कुल सोने के तैयार है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये है शाजीब खालिद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कचले का कद बढ़ाने के लिए क्या करें। दोस्त वही करें जो मैं बताता हूँ अक्सर आप लोगों को, कि खुला रखें जानवर को, जितना खुला रखेंगे उतना अच्छा कद बढ़ाएगा जानवर। और हरा दाना जो है उसको अगर छोटा कद है उसका तो ऊपर टांग के दें, ताकि वो दोनों पैर अपने ऊपर रख के खाए, थोड़ा सा एक्टिव रहे जानवर, तो इसी तरह कद बढ़ाता है। बाकी ब्रीड पे होता है कि किसी तरह हो सकता है कभी क्रॉस ब्रीड लग जाती है, छोटे कद का बाप या माँ होती है उसकी, तो कद छोटा रह जाता है इनका, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते आप, कुदरत है ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई नीड योर एडवाइस फ्रॉम यू। मोहम्मद जावेद का है ये मैसेज, मेरे पास बकरे हैं दो और दो बकरियां हैं, सबको खांसी और नोज बहती रहती है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया, मेरी वीडियोस में देखें, लाल शरबत वाला वो फॉर्मूला दे, वरना अजवाइन वाला पानी जो मैंने बताया था उसी फॉर्मूले में वो दे सकते हैं आप लोग। सही है, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा एहतियात रखें, सुबह की धूप जानवरों को लाजमी लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। अगर आप जानवरों को सुबह की धूप नहीं लगाएंगे तो आपके जानवर बीमार भी होंगे और प्रॉब्लम भी उनको ज़्यादा होगी। और अगर कोई सर्दी का बुखार होता है, जिस तरह का नमूनिया होता है, इस तरह की कोई भी वायरस जो है अटैक कर सकता है इनको, क्योंकि विटामिन डी जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो सुबह की धूप जो है वो लाजमी लगाएं अपने जानवरों को। शाजिब खालिद, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तो हो गया। अदरान इकबाल, हैदर भाई, मैट बकरी में थर्ड बार बच्चे दिए हैं मगर वो दूध नहीं दे रही है। दोस्त आप एक काम करें, उसको रोज़ दूध में, एक पाव दूध में 2 चम्मच गुलकंद, जो पान में डलता है गुलकंद होता है, जिससे जो गुलाब के पत्तों से बनता है गुलकंद, वो 2 चम्मच डाल के दें, इंशाल्लाह आपकी जानवर जो है अच्छा दूध देने लगेगी। और उसके खुराक में खल और एक कम से कम भूसी टुकड़े की रोटी जो होती है, एक बासी रोटी, वो उसी खुराक में बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह ये होगा कि वो दूध अपना बढ़ाएगी। बकरों का खिलाएं पूरा दिन, जिससे वो जल्दी वेट बढ़ाएं, बिजनेस वाले बकरों के लिए। दोस्त बिजनेस वाले बकरों के लिए मैंने बहुत अच्छा बताया है कि एक डालडा घी ले आएं, डालडा का मतलब कोई भी ऐसा घी नॉर्मल घर में हम यूज़ करते हैं, अगर देसी घी आपको नहीं मिल रहा तो, और आप उसको ऐसा आदि बना लें कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप उसको एक सिरिंज उतारें तो उसको फकना पड़े। सर्दियों के मौसम में धूप अगर घी आपको पिलाना है तो सुबह के वक्त पिलाएं, कम से कम आधे से 1 घंटा जानवर धूप में खड़ा रहे, वरना सर्दियों में घी नहीं पिलाएं, क्योंकि सीने में जम जाएगा, फिर उसको खांसी की तकलीफ हो सकती है जानवर को। अच्छा अशफाक अहमद भाई, आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए, नंबर मैंने बिल्कुल वीडियो के शुरू में दिया, अशफाक भाई आपको मिल गया होगा। अली जावेद, काइंडली मुझे बता दें कि कोई इन सर्दियों के हिसाब से वीडियो बना दें। दोस्त मैंने सर्दियों के बचाव के लिए एक वीडियो बनाई है पहले ही, अगर आप मेरी वीडियोस में देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। सर मेरे पास देसी छतरा है, उसका जुकाम नहीं जा रहा, टिप बता दें। दोस्त मैंने बताया इसमें अजवाइन का पानी आजकल बेहतरीन, बहुत गर्म होती है, अजवाइन वो दें और धूप लगाएं सुबह की। और फिर भी अगर उसको नज़ला ज़्यादा है जानवर को, तो टाट की बोरी आती है जिससे पहले आटा आता था, वो अगर कहीं से आपको मिल जाती है तो उसकी धुनी दें, उसको हल्का सा गर्म करके बुझा दें और उसके सामने रखें, ताकि उसका नज़ला जो है बह जानवर का ना, तो उसका बह जाएगा नज़ला। अली जावेद, मेरे पास देसी छतरा है। अच्छा ये हो गया। SF हैदराबाद गो चैनल, और कैसे हैं भाई मज़ार शरीफ भाई, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, इंडिया से भाई। मेरे पास
भी कोटेज हैं, मेरे को भी ऐसे ही टिप्स, देसी टिप्स दीजिएगा, मेहरबानी आपकी। जी भाई, मैं कोशिश करता हूँ जैसी टिप्स आप लोग चाहते हैं या मैं बता सकता हूँ जितना मुझे पता है, या मेरे उस्ताद जो मुझे बताते हैं बताने को, वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती, मैं अपने उस्ताद से पूछ के आप लोगों को बताता हूँ। नहीं नहीं मसला, वालेकुम भाई, मेरे बकरे की दुम में दाना बन गया है, क्या करूँ? शायद जैकेट की वजह से है। अभी जैकेट लिखा है आपने कि कपड़े की वजह से लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सही है कि जैकेट की वजह से उसको पहनाता हूँ, मुझे यही लग रहा है कि आप कोई कपड़ा वगैरह उसको ऐसा पहनाते हैं जिसकी वजह से उसको दाना निकला है। तो आप देखिएगा, खुदा ना खासा उसमें पस वगैरह पड़ गया तो उसको एंटीबायोटिक खिलाएं सबसे पहले। तो सही है, दूसरी चीज़ ये करें कि उसको, अगर वो जैकेट से, आपको पता ही है कि जैकेट से ही हुआ है, तो जैकेट चेंज करें फ़ौरन। अच्छा, दुम्बो के लिए फूट बड़ा हो जाता है सर्दी की खुराक। दोस्त, दुम्बे को मैंने अभी जो बकरों को बताया ना, काला चना सबसे बेहतरीन, वो कजले पे ही असर करता है। दुम्बे होते हैं, कजले होते हैं, इनको काला चना आप खिलाएं, गंदम खिलाएं भीगी हुई, जब फूल जाए, सही है, सुबह के वक्त में, तो यकीन करें आप इनकी बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं। मक्खन दूध में डाल के पिलाएं इनको, इनको सर्दी भी इतना इफेक्ट नहीं करती अगर इनके बाल बढ़ा के रखें आप सर्दियों में। तो अगर आप कजले को अच्छी तरह पालते हैं तो सबसे बेहतरीन जो बनता है वो कजला या दुम्बा ही बनता है। फैजी कायम खानी, भाई जी तुम हमारे बकरे में लपक नहीं है खाने खाना खाने की। दोस्त, आपको भूखा रखना नहीं आ रहा जानवर को, अगर आप थोड़ा सा अपने जानवर को भूखा रखना सीख जाएंगे ना, तो उसको लपक भी बढ़ जाएगी। सही है, हिम्मत करें थोड़ी सी, और अगर आपका जानवर लपक नहीं रहा दाने पर, तो उसका एक टाइम का दाना बंद कर दें, एक टाइम दें 24 घंटे में दाना, देखें आप फिर कैसा लपकेगा वो। हैंडसम वेज, बकरा चना और गंदुम भिगो के नहीं खा रहा, अगर ऐसी खिलाऊं तो कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल ऐसी खिला सकते हैं आप, बस उसके बाद आपने कम से कम 2 से 3 घंटे पानी नहीं पिलाना हैंडसम वेज। और एक काम और नहीं करना आपने, कि अगर वो पिसा हुआ खा सकते हैं, अगर आप पिसवा सकते हैं इसको चने को, तो पिसा हुआ या गंदुम का दलिया खिला सकते हैं, तो वो बेस्ट हो जाएगा, ताकि हाजमा भी उसका अच्छा रहे उसी तरह से। जिशान अली खान, सलाम भाई, बकरे के बच्चे की 1 दिन का है और उसका कब्ज हो रहा है पेट में, तो गोलियां बन रही हैं, इसका इलाज बता दें। दोस्त, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी शायद, जिसमें मैंने बकरी के बच्चों के बारे में बताया जिनके पेट खराब हुए हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो, तो आप उनको जो है ग्रेप वाटर आता है मार्केट से, जो इंसान के बच्चों को पिलाते हैं, वो आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं, 2 2 cc सुबह शाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जैसे कि कब्ज वगैरह की या मोशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है। भाई जान कैसे हो? बकरी के बच्चे, ये पूछा है सवाल जाहिद इरफान ने, मोशन लग जाते हैं इस बीमारी की वजह से, मेरे 25 बच्चे मर गए हैं, कोई इलाज बताओ। भाई पहले तो आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी बकरी की बीमार मोशन लग के 25 बच्चे मर गए? सही है, और ऐसी कोई चीज़ चेक करो, हो सकता है कि उनको ठंड लग रही हो। अच्छा, अगर हरे मोशन कर रहे हैं, याद रखिएगा जानवर या बच्चे हरे मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको सर्दी लगी है, वो सर्दी से मोशन करके मर रहे हैं, तो इसका भी एहतियात रखें, क्योंकि ज़्यादातर ब्रीडिंग सीज़न होता है सर्दी, सर्दी में ज़्यादातर बकरियाँ अभी आती हैं, तो उसका खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। और अगर मोशन हो रहे हैं तो मैंने आपको बताया बेलगिरी ला के रख लें, सही है, स्क्वायर एक्स सीरप मैंने बताया वो ला के रख लें अपने घर में, और रखा करें जो भी जानवर पाल रहे हैं वो एमरजेंसी के लिए रखा करें सारी चीज़ें, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन, ऐसा ना हो कि बकरा जब लागर हो जाए मोशन की वजह से, आप जब दे रहे हो उसको, तो ये काफ़ी एहतियात करा करें दवाइयों के मामले में। फिर शाजेब खालिद, अस्सलाम वालेकुम भाई, कजले का, अच्छा ये पढ़ा दिया मैंने, सब चारा नहीं खा रहा। भाई मेरा बकरा सब चारा नहीं खा रहा, मलिक अमीन, मलिक अमीन, अगर आपका बकरा सब चारा नहीं खा रहा, तो आप उसको जो है धूप में बांधें, और अगर उसका पानी की खुराक पूरी हो, सर्दियों में ज़रूरी नहीं है कि सब चारा खाए वो, सही है, लेकिन अगर वो गर्मियों में भी नहीं खाता या उसको आदत ही नहीं है खाने की, तो आप चेक करें, एक हरी घास भी आती है जो कि सूखी भी होती है थोड़ी सी, वो खिला के देखें, तो इंशाल्लाह वो उठाएगा वो, और आहिस्ता आहिस्ता हरे की तरफ भी आ जाएगा। या और दो भी दो बहुत सारी चीज़ें आती हैं हरे में, सिर्फ ज़रूरी नहीं है लूसन ही खिलाएं आप, बहुत सारी और भी हरी सब्जियां होती हैं, वो ट्राई करके देखें कि कौन सी चीज़ उसको पसंद है, वो खिलाना सकते हैं आप हरे में, क्योंकि हरा ज़्यादातर आयरन के लिए खिलाया जाता है, तो आप उसको कोई भी जो हरा है वो खिला सकते हैं। मीसम रजा ताजरी, एक बकरा पालने के मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं और कितना स्पेस देना चाहिए? दोस्त, कम से कम बकरे को इतना स्पेस तो मिले कि वो खुल के आपका जो है वो टहल सके वहाँ पे, उसकी गर्दन पूरी सही तरह से उठ सके और वो दीवार पे खड़ा हो सके, पहली चीज़ कद इतना ऊंचा होना चाहिए छत का, सही है, दूसरी चीज़ हवादार होना चाहिए, जहाँ से एक तरफ से हवा हो, एक तरफ से पास हो रही हो हवा, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। सबसे लास्ट जो आपने पूछा कि एक्सपेंस कितना होना चाहिए, दोस्त जितना गोट डालोगे उतना मीठा होगा। बकरा पालने वाले 2000 में भी बकरा मंथली में पाल रहे हैं, और पालने वाले 6000 में भी पाल रहे हैं, और पालने वाले 15000 में भी पाल रहे हैं,
सही है कि जितना जितना का शौक होता है, जितनी जिसकी जेब इजाजत देती है उसी तरह का जानवर पालते हैं। सही है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कितने पैसे चाहिए होते हैं, कम से कम में भी आप पाल सकते हैं, क्योंकि बकरा तो छिलका भूसी में ही पल जाता है। सही है, अब बात है बकरा बनाने की, तो आपने अगर सिर्फ घी पिलाना है तो उससे फिर आप घी से आगे चले जाएँ तो रोज़ दूध पिला सकते हैं उस पर आ जाएँ, फिर आप चना खिला सकते हैं 130 रुपये किलो पाकिस्तान में तो आप उस पर आ जाएँ, फिर इसी तरह से आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका खर्चा ही बढ़ता जाएगा और बकरा भी इंशाल्लाह आपका अच्छा होता जाएगा। तो जैसा आप गोट डालेंगे वैसा ही मीठा होगा। अच्छा भाई ये क्या है, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मेरा बकरा 4 से 5 दिन के बाद जो है पानी पीता है इस मौसम में, वैसे वो पेशाब वगैरह बिल्कुल ठीक करता है, मैं थोड़ी वनडे में पानी में मिक्स कर देता हूँ और सब चारा यानी मकई की टोट के मैं चोका लगाकर पानी मिक्स कर देता हूँ। अहमद यामीन ने सवाल पूछा है, अहमद यामीन अगर आप पानी में जानवर को बहुत सारी चीज़ों में पानी दे रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में पानी पहुंचना चाहिए। सही है, और अगर यूरिन सही पास कर रहा है, वो आपको लग रहा है कि इसका यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। और सर्दियों के मौसम में वैसे ही बकरा कम पानी पीता है, कोशिश करें कि उसको धूप में बांधें सुबह के वक्त, ताकि उसको थोड़ी प्यास लगे और थोड़ा बहुत पानी रोज़ पिए वो। भाई सस्ता चारा बताएं जो अच्छा भी हो, दोस्त मेरी एक बहुत पहले की वीडियो, अगर आप मेरी वीडियोस में सर्च करेंगे सस्ता चारा बेहतरीन जानवरों के लिए तो आप वो देख सकते हैं, वो बेहतरीन और सस्ता चारा है। आप कितने मन का बकरा लें, वो ईद पर रेडी हो जाएगा दोस्त। 14 महीने का जो बकरा होता है ना, वो 2 दांत का हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको इस वक्त ईद में कितना टाइम है, तो 8 महीने का बच्चा भी आप ले सकते हैं, 6 महीने का बच्चा भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप याद रखें, अगर बकरा पालने वाला होगा ना और उसको उससे आप पूछेंगे तो वो आपको बोलेगा 4 दांत का बकरा ले, वो बनेगा इंशाल्लाह आपका बीत तक तैयार बिल्कुल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बकरे के 6 दांत हो जाए पूरा दांत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। सिर्फ ये जो नए शौकीन होते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, दांतों से। अगर आप पुराने शौकीन हैं या आप मेरी बात माने तो आप 4 दांत का बकरा लें और उसको बनाएं, तो आप देखिएगा वो बनेगा अच्छा। 2 बकरे लें, एक आप अपने हिसाब से लें खीरा और एक 4 दांत का बकरा लें, और उन दोनों में मेहनत करें एक सी, फिर आप देखिएगा 4 दांत का बकरा, क्योंकि खुलना बकरा शुरू 4 दांत के बाद ही करता है। अच्छा ये हैदर अली का सवाल था, ख्वाजा कामरान पूछते हैं कितने मन की गबन बकरी का पता चलता है फर्स्ट टाइमर का। दोस्त 3 महीने में पता चल जाता है बकरी का, 2 महीने में तो लोग बोलते हैं बता देते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे उस्ताद नहीं बता सकते अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ना हो आपके पास। सही है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि कितने भी बड़े उस्ताद हों 2 महीने पहले वो नहीं बता सकते, फर्स्ट टाइमर बकरी का खास तौर से बता रहा हूँ मैं। अच्छा फर्स्ट टाइमर बकरी का 3 महीने के बाद ये होता है, कब अक्सर फर्स्ट टाइमर बकरी के थनों में खीस आने लगती है, उसका चड्डा अलग ही पता चल जाता है। सही है, तो आपको बहुत आसानी से अंदाजा हो जाता है फर्स्ट टाइमर बकरी का कि ये लग चुकी है, उसकी एक्टिवनेस से कि किस तरह चल रही है, किस तरह से बैठ रही है, उछल कूद कम हो जाती है जानवर की, ये सब आप देख सकते हैं। शाहिद इस्माइल नाम वैक्सीन के, नाम वैक्सीन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाओ। जी दोस्त मैं ज़रूर बनाऊंगा, वैक्सीन के बारे में मैंने बनानी है और मैंने सोच के रखा हुआ है कि जल्द से जल्द ये वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा, सब जिसमें डिटेल हर वैक्सीन की डिटेल दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये बात पूछी है मुझसे। मीसा मराजा ताजी एक बकरा पाया, ये हो गया है। इमरान नसरीन, अच्छा बच्चा बकरे की पहचान कैसे करें? दोस्त अच्छे बकरे की पहचान नहीं होती, बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं। सही है, अब आपने ये देखना है कि बच्चे की हाइट कैसी है उसके, अगर पाकिस्तान में हम देखते हैं तो कामोरी नस्ल में हम देखते हैं उसके कान कैसे हैं, जो मक्का चीनी अपना मक्का चीनी नस्ल है वो अपने सींगों से पहचानी जाती है, इसी तरह से जो राजनपुरी नस्ल है उसकी दुम काफ़ी लंबी होती है। मतलब ये देखना पड़ता है प्योरिटी कहाँ पे आ रही है, कितना नज़दीक आ रही है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर जानवर में क्रॉस लगा हुआ है तो चलता है, क्योंकि आजकल बहुत कम होते हैं जो आपको प्योर ब्रीड मिले बिल्कुल, वो किस्मत होती है आपकी कि कभी मार्केट में आपसे टकरा जाए, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी प्योर ब्रीड नहीं बेचता कभी भी। सही है, तो आपने यही देखना है कि उसका कद अच्छा लेना, जानवर कद अच्छा हो और जिस्म उसका चौड़ा हो, और खाल खींच के देखनी है आपने जानवर खरीदते वक्त कि उसकी खाल में जगह हो, जितनी खाल में जगह होगी जानवर उतना बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखना है लेते हुए जानवर। इमरान नासरीन और ये अली जावेद, सर्दियों के लिए कोई हिसाब से वीडियो बना दें, बना दी मैंने, आपने देख भी ली है वो। और ये एम अहमद, आफ्टर डिलीवरी बकरियों का खिलाना है और बच्चों को कितनी मरतबा दूध पिलाना चाहिए? दोस्त बकरे बच्चे जो होते हैं वो हर 6 घंटे में दूध पीते हैं, 5 से 6 घंटे में उनको दूध पिलाते हैं बकरी को, बच्चों को जो छोटे होते हैं वो जब 2-4 दिन के होते हैं उनको तकरीबन 15-20 दिन तक इसी तरह दूध पिलाया जाता है। और बकरी को आपने क्या करना है, जब वो ब्या जाए उसके बाद सारा कचरा फेंक दे, आपको कावा वगैरह आप पिला दें उसको जो भी होता है सारा, वो आप करने के बाद से उसको खल स्टार्ट करेंगे, खल लगाएंगे उसके साथ, गंदुम लगाएंगे खल के साथ, और एक भूसी टुकड़ी की बासी रोटी लगाएंगे उसके साथ, और रोज़ दूध में गुलकंद मिला के देंगे तो आप इंशाल्लाह उसका दूध बहुत अच्छा रहेगा बकरी का। अरीब अहमद खान, हैदर भाई आप कराची से किधर रहते हो? हमारा पास भी विजिट करें फार्म पर बकरे और बकरे
बड़े जानवर रखे हुए हैं, गुलशन में फार्म है, जजाक अल्लाह। अरे मोहम्मद खान, इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करें गुलशन में, हम गुलशन ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट के करीब रहते हैं, और इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, और आपके कमेंट पे मैं अपना नंबर भी छोड़ दूंगा, तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे आपके फार्म पे, मुलाकात भी करेंगे आपसे। अबरार अलवी, हमारे इलाके में सिर्फ मकई की कुत्तर मिलती है, वो तकरीबन 2 kg ही खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता। दोस्त अगर कुछ मिलता ही नहीं है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो मकई की कुत्तर ही खिलाएं आप, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको चना गंदम वगैरह नहीं मिल रहा, सही है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी चीज़ का बताने का, सही है। कोशिश करें कि आप उसको मसाला ज़रूर देते रहें, गुड़ा जवाए मेथी दाने का, ताकि उसका हाजमा सही रहे। अपना रूहीज किचन, भाई क्या बकरों को वोमैक्स गोली दे सकते हैं पेट के कीड़ों मर जाने, पेट के कीड़े मारने के लिए? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिस तरह डिवॉर्मर होता है उसी तरह से ही गोली होती है, वो दी जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आइवरमैक नहीं लगाना पड़ेगा। अगर ये आपने गोली तो देनी ही देनी है, लेकिन आइवरमैक लाजमी लगाना है उनके, सही है। तो याद रखें कि अपने आइवरमैक इंजेक्शन जो है बकरों का, वो आपने लाजमी लगाना है, इससे गोली से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फैजी कायम खानी, भाई जी हमारे बकरे में लपक, ये बता दिया मैंने, गंदम को अगर खिलाऊं तो बस ये भी हो गया है। तो दोस्तों तकरीबन जितने थे कमेंट, तकरीबन मेरे माहिया खान, अस्सलाम वालेकुम, अपना व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ मैं, नसीम रजू का माशाल्लाह, और मोइन सुबह दौड़ मंडी, ये तकरीबन सारे जो आपके कमेंट मेरी स्टोरी पे आए थे वो सारे मैं उसके जवाब दे चुका हूँ दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और जब भी मैं अगली वीडियो डालूं, अपनी अगली स्टोरी डालूं, उसमें मैं बोलूं आपसे सवाल पूछें मुझसे, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।